नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BD कार जोन में। और आज हम टाटा अल्ट्रोज की पर थर्ड वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने हमारे पिछले दो वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर आप देखें, जो कि हम आई बटन में आपके लिए छोड़ देंगे और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका हम लिंक छोड़ेंगे, जहाँ जाकर आप देख लीजिए। और आज हम कार टाटा अल्ट्रोज की के बारे में वीडियो बना रहे हैं कि अगर इसकी की बाहर रह जाती है या हम इसकी की को बाहर ले जाएं तो क्या कार बंद हो जाएगी, और अगर गाड़ी आगे जाकर अगर हम बंद कर दें तो उसके बाद में क्या बिना की के स्टार्ट होगी, तो ये हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हम की लेकर बाहर जा रहे हैं और इसको लेकर अब हम बाहर निकलेंगे, तो देखते हैं गाड़ी कैसे बिहेव करती है। इसे हम अलग अलग कैमरे एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे, एक कैमरा अंदर रखा और एक कैमरा बाहर। चलिए देखते हैं क्या होता है। हम गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं। Key not found. आपने देखा गाड़ी बीप करने लगती है और इससे आवाज़ आने लगती है, इसके साथ ही गाड़ी के अंदर की नॉट फाउंड का ये संकेत देती है। चलिए हम गाड़ी को ड्राइव करके देख लेते हैं और इसमें देखें आप बाहर हम लोग इसकी की को लेकर बाहर रह गए थे और हमारे भाई साहब गाड़ी चला रहे थे तो वो लोग गाड़ी लेकर निकल गए थे। ये अलग अलग कैमरा एंगल से हम दिखा रहे हैं, अभी आप एक सेकंड कैमरे से देख रहे हैं जो कि गाड़ी के अंदर था, और ये आप देख रहे हैं फर्स्ट कैमरे से जो कि हम लोग बाहर लिए थे। तो गाड़ी जा रही है, लगभग 1 किलोमीटर हम लोगों से गाड़ी दूर पहुंच गई थी और किसी भी प्रकार से गाड़ी बंद नहीं हुई रास्ते में, और आगे भी जब गाड़ी को चलाया गया तो गाड़ी बिल्कुल भी बंद नहीं हुई, आगे जाकर कोई प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं आई थी। लेकिन चाबी हम लोगों के पास थी, गाड़ी में चाबी नहीं थी, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और शुरू में बस उसने की नॉट फाउंड लिखा, उसमें मतलब वॉइस कमांड दे रहा था। इसके बाद गाड़ी देखें आप बड़े आराम से चल रही है, कोई परेशानी नहीं है उसमें, ना कोई कमांड दे रहा ना कोई परेशानी है, गाड़ी बहुत आराम से चल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए गाड़ी आप कहीं रह जाती है किसी कारणवश तो, और गाड़ी स्टार्ट थी तो गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी, गाड़ी आराम से चलती रहेगी। अब देखें हम आगे जाकर एक बार अब क्या करेंगे, हम गाड़ी को बंद करेंगे आगे ले जाकर, फिर देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती। अभी हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते लगभग 1 से 2 किलोमीटर हम लोग दूर पहुंच गए हैं और गाड़ी बड़े आराम से चल रही है, कोई भी परेशानी नहीं है किसी प्रकार का, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी बड़े आराम से चल रही है, जैसे चल रही बिहेव कर रही है उसी तरीके से बिहेव कर रही है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और जहाँ तक वॉइस कमांड की बात थी, वो शुरू में उसने जो इंडिकेट किया था वही वॉइस कमांड जो उसने दी थी और जो उससे सिग्नल मिल रही थी, जो बीप कर रही थी, शुरू में जो कुछ हो चुका वही था, उतनी देर ही उसने किया, उसके बाद बिल्कुल आराम से गाड़ी चली। अब देखते हैं इसे हम बंद कर देते हैं, अब हम गाड़ी को बंद करने वाले हैं। तो देखें आप गाड़ी को हमने बंद कर दिया है, अब गाड़ी को बंद होने के बाद में अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। चालू नहीं हो रही है गाड़ी, की आउट ऑफ रेंज बता रहा है, की आउट ऑफ रेंज देख सकते हैं आप लोग। इसको दबाने पर, की को दबाने पर ये लेके आ रहा है की आउट ऑफ रेंज। तो आपने देखा गाड़ी की पास में ना होने पर गाड़ी स्टार्ट अप नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर गाड़ी आप बाहर ले जाएं उसकी की गलती से भी बाहर ना भूलें, और गाड़ी स्टार्ट लेकर अगर आप पहुंच भी जाएं तो जितनी देर गाड़ी स्टार्ट रहेगी चलती रहेगी, उसके बाद में फिर नहीं चलेगी। ये हम दूसरे कैमरा एंगल से दिखा रहे हैं आपको, देखिए की हम लोगों के पास में थी, अब हम लोग वहाँ तक गाड़ी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं की लेकर। तो अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी की बाहर रह जाती है तो जितनी देर गाड़ी स्टार्ट थी उतनी देर चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर की बाहर रह जाती है तो आपकी गाड़ी फिर एक बार बंद होने के बाद दोबारा चालू नहीं होगी।
हम वीडियो बनाने के लिए बड़ी प्यारी लोकेशन पर आए हैं, और ये नदी का घाट है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है। यहाँ हम वीडियो शूट करने के लिए आए थे, देखें बड़ा प्यारा नज़ारा है। तो इस प्रकार से हमारे की के, यानी कि हमारी टाटा अल्ट्रोज की जो है उसकी चाबी के, ये तीसरा वीडियो है। तीन वीडियो हमारे हो चुके हैं, तो उनको आप देखें, और हमारे सभी वीडियोज में आप अपने विचार जरूर रखें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आप देखें सामने अल्ट्रोज खड़ी है हमारी, और हम की लेकर बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं गाड़ी फिर स्टार्ट करके। तो इस तरीके से आपने देखा, ये तीसरा वीडियो हमारा, शुरुआती दो वीडियो भी आप देखें की से रिलेटेड, और भी हमारे वीडियो आने वाले हैं जो कि टाटा अल्ट्रोज से रिलेटेड होंगे, अलग अलग टॉपिक पर, और हम अलग अलग गाड़ियों का रिव्यू और इंटरव्यू भी करेंगे कस्टमर का। अब हम एक बार गाड़ी स्टार्ट करके और देख लेते हैं। ये रही उसकी की, और गाड़ी हम अब स्टार्ट करके देखेंगे। की को हम अंदर रख लेते हैं। बटन प्रेस करते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब चलिए इसकी की को हम एक बार और बाहर ले जाके देखते हैं गाड़ी कैसे बीप करती है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।